दूंगा। सर काटेगा तो क्या मैं तुझे देखता रहूंगा? अभी बताता हूँ तुझे। अरे भैया ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? भैरव जी आप इन्हें रोकिए। बाबू एक, अरे अरे हटो, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? भैरव जी इन दोनों को लड़ाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? हमारे रिश्ते इतने मजबूत नहीं हुए हैं तो ये झगड़ा फसाद क्यों कर रहे हैं? बाबा कैसा बड़ा आदमी है तू, सारे लोगों के सामने जबान देकर आज मुकर रहा है तू? यहाँ नहीं पंचायत में देख लूंगा मैं तुझे। अरे भैरव जी मेरी बात तो सुनिए। भैया इस गाँव के सभी बड़े लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस गाँव में मैं सबसे बड़ा गधा हूँ, बेकार इंसान हूँ कहकर आप सभी मेरे पीठ के पीछे बोलते रहते हो। मैंने आपसे कभी कोई वादा किया ही नहीं और कोई वादा कभी तोड़ा भी नहीं, लेकिन आपका चहेता नायक इस गांव में सालों से राज करता चला आ रहा है, वही आपका सरपंच मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी का वादा करके अब पीछे हट रहा है। भैया अब बताओ क्या ये बात सही है? तुम गांव वालों की भलाई करोगे ये सोचकर मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे बेटे के बारे में नहीं जानता था। देखा भाइयों देखा, ये गांव के बड़े आदमी नहीं है, धोखेबाज है। मेरे बेटे के साथ सगाई करके अब पीछे हट रहा है आदमी। अब जो मैं कर रहा हूँ वो सुनो, इनके प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी जमीन दूंगा, मैंने ऐसा भी कहा था और देने का वादा भी किया था। तेरी बेटी मेरी बहू बनने के बाद जमीन के बारे में सोचूंगा, कहा था कि नहीं? इस तरह की झूठी बातें मत करो। तुम चुप रहो, मेरी बात सुनिए। गुनहगार मैं हूँ तो समाधान करना भी मेरा काम है, सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। देखा आप लोगों ने, मिले तो सर पकड़ते हैं नहीं तो पैर पकड़ते हैं ऐसे लोग। टाइम देने के लिए हमारे चाचा जी घड़ी बेचते हैं क्या? बकवास बंद कर, चुप हो जा। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला मत, इंसान की तरह बात कर, समझा? छोड़ो, रुक जाओ, मेरी बात मानो, रुक जाओ। ये मेरा असली शेर है, असली मर्द है ये। इस गाँव के सभी लोग नामर्द है, इसका सामना करने वाला कोई यहाँ मर्द है क्या? ये देखो भीख मांगने वाले आजकल मर्दानगी की बात कर रहे हैं। कौन यहाँ पर भीख मांगने वाला है बोलो? तेरे बेटे के ऊपर तू चाहे कितना भी लगा ले कोई नहीं खरीदेगा। मेरा बेटा किंग है यार, मर्द है, नेशनल खो खो प्लेयर है। हाँ ए, तेरा बेटा नेशनल खो खो प्लेयर है तो मेरा बेटा इस गांव का बब्बर शेर है। सुनो बब्बर शेर जी, आप सच में इतने बहादुर हो तो मेरी शर्त को मानोगे क्या? ए, मेरा बेटा क्या तेरे कहने पर मानेगा? सुनो सुनो, मेरा बेटा खो खो चैंपियन है, तुम इसके साथ जीतोगे तो मैं अपनी सारी जायदाद दे दूंगा और अनीता भी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम हार गए तो इस गांव को छोड़कर तुम्हें दूर जाना होगा, ठीक है ना? ए, तेरी दौलत किसे चाहिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ही काफी है, तू आग के गोले से गेम खेल रहा है। ए बॉबे, तेरी मंजिल अब गंगा के हवाले होगी, खो खो हरा कर रख दूंगा, देख लेना। ए, पढ़ दे मुझे। साइन करो इस पर। भाई लोग मैं पूरे गांव वालों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन सरपंच पर मुझे भरोसा नहीं, आपको भी उस पे साइन करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संक्रांति के दिन खेल शुरू होगा, उसी दिन हार जीत का फैसला हो जाएगा। चलो। सर हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जीत तुम्हारी होगी। रामू 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 रुको, रामू ए रामू रुको तो। अरे ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो तुम? पहले चलो मैं बाद में बताती हूँ। बताओ तो क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? हम दोनों कहीं दूर भाग जाते हैं, इस खेल पर मुझे भरोसा नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसा नहीं है रामू, तुम ये शर्त जीतोगे मैं जानती हूँ, पर अगर तुम हार गए तो मुझे उस बॉबी से शादी करनी पड़ेगी, इस सोच कर ही मैं घबरा जाती हूँ। नीचे उतरो, उतरो। जानती है सारे जीवों में बस इंसान ही महान होता है, वो पता है क्यों? क्योंकि उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए अगर उसे भूल जाए तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। सिर्फ जीना ही जिंदगी नहीं होती, जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। नेगेटिव थिंकिंग तो नरक में ले जाएंगी, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे ना तो जीतने के लिए बस उतना ही काफी है। आई लव यू रामू। कस के दबाना बे। दबा तो रहा हूँ। आपने क्या किया डैडी, थोड़ा तो दिमाग चलाया होता। आपने रामू से शर्त क्यों लगा लिया, सीधे अनीता को घर ले आते। रोने का काम उसका है, उससे कैसे निपटना है वो मैं देखता हूँ। खाना पीना छोड़कर वो पागल हो जाएगा, उसे देखकर उसके बाप का सर घूमने लगेगा। वो तेरे से कैसे जीत सकता है, तू उसे कैसे हराएगा ये सोच। जा जाने दीजिए, आप कभी नहीं समझेंगे। अरे जीजू
कल शाम को दीदी ने मंदिर के पास तुम्हें मिलने बुलाया है। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया है क्या? गुड्डी, जब कोई टेंशन होता है तो मैं फोन ऑफ करके यहाँ पर आ जाता हूँ। वैसे भी फोन की आदत नहीं है मुझे, इसलिए स्विच ऑफ करके रखा था। तुम्हें कैसे पता चली ये बात कि मैं एग्जाम के लिए टेंशन ले रही हूँ? अरे अभी तूने तो कहा ना चोर कहीं की पकड़ी गई ना। तेरा काम तो मैं बाद में करता हूँ, शाम को आकर मैं उसे मिलूंगा, ऐसा बोल देना। बड़ा चालू लड़का है, कुछ कहने आई थी मेरे बारे में कह गया, अब मुझे नचाएगा ये। बाप रे, इसे पटा कर रखना होगा। जीजा, जीजा जी कहना होगा इसे। तेरी मनोकामना पूरी होगी बाली के। मैंने क्या मांगा है तुम्हें कैसे पता? यही कि मेरी शादी राम के साथ करवा दो भगवान, बस यही ना। ऐसा नहीं है, छोटा सा करेक्शन है। रामू से शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। हे, ये कैसा पागलपन है? सही कहा, मैं पागल ही हूँ, तुम्हारे पीछे पागल हूँ। बॉबी नेशनल प्लेयर है और तुम तो अपने मोहल्ले में खेलते हो। पता नहीं क्या सोचकर तुमने ये शर्त मान ली। प्यार, यही तो मेरी हिम्मत है। हिम्मत वाला कोई भी मर्द होगा ना, अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो उसे मैं ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। अब तुम अपने घर जाओ। अरे जल्दी जल्दी चलना यार। अरे यार क्या सड़क बनी है, 4 साल से देख रहा हूँ, रोड तो उसी तरह से है। मुझे खोखो की टेंशन है और मुझे क्वार्टर की बिना पिए नींद नहीं आती है भाई, मुझे सच कह रहा हूँ मैं। तू ये पीना बिना छोड़कर पहले प्रैक्टिस कर यार। ओके 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 ओके। क्या? अरे गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। अरे सर सर, मास्टर जी। मास्टर जी नमस्ते। मास्टर जी नमस्ते। आप तो रघुनाथ मास्टर जी है ना? हाँ, और तुम? अरे मैं हूँ मास्टर जी, आपका स्टूडेंट। आप बचपन में मुझे खोखो सिखाते थे, मैं वही हूँ। अरे रामू तुम हो? हाँ। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बड़े हो गए हो रामू। ये कौन है? बबलू है ना? हाँ मास्टर जी। अच्छा, वो बॉबी भी गांव में ही है ना? वो सुधर गया है या यहाँ भी पहले की तरह लफड़ा करता रहता है? उसी की वजह से हम डरे हुए हैं मास्टर जी। इसने तो नेशनल खो खो प्लेयर बॉबी से शर्त लगाया कि हम ही जीतेंगे। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा। इसका प्यार, लोगों की भलाई, क्या करें हम लोग मास्टर जी। असल में क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे रे रामू जी, तेरी ही होगी बेटा। अब मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ सुनोगे तो शौक हो जाओगे। असल में वो खो खो खेलना जानता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं मास्टर जी आप? सच कह रहा हूँ, बचपन में अच्छा खेल रहा है सोच के एकेडमी लेकर गया था। लेकिन वो सिटी में आकर बहुत बिगड़ गया, हर दिन पीना घूमना, खेल में तो ध्यान ही नहीं था उसका। मुझे पता चलने के बाद उसे डांटा तो घर पे पता चलेगा, इसलिए उसने पैर पकड़ लिए, क्योंकि पैसे मिलने बंद हो जाएंगे उसे घर से। परसों का नेशनल शो जीतने वाला ये नहीं है, जीतने वाले को खरीद कर इसने अपनी पब्लिसिटी की है, इसलिए एकेडमी से इसे निकाल दिया गया है। तुम थोड़ा मेहनत करो रामू, तुम जरूर जीतोगे। वहाँ देखो यार, जमीन आसमान का फर्क पता नहीं है इन बेवकूफों को, खोखो को कबड्डी समझ के खेल रहे हैं। ऐसा क्या, तो ये खोखो नहीं है क्या? अरे हमने ऐसे ही तो खेल के नेशनल कप जीता था। आवाज कम कर, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे बाबी तू हाँ तो बोल यार, ये लोग क्या चीज है, ऐसा दिखाऊंगा ना एक एक को। हे सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है वो हमारे बॉबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अपने बॉबी को खोखो खेलना आता है कि नहीं क्या पता? अरे प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज मेरे भाई, मुझे खोखो खेलना नहीं आता, गांव में किसी के सामने मत बताना प्लीज मेरे भाई, समझ रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। वैसा बोलूंगा तू सोच रहा है, ऐसे फालतू के डायलॉग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे बारे में किसी को बताएगा तो खड़े खड़े ही दफना दूंगा। मेरे साथ खोखो खेलो, हम लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अगर मेरा साथ दोगे तो तुम सबको 1 एकड़ जमीन दूंगा, अगर साथ नहीं दिया तो उसी जमीन में दफना दूंगा। जो भी ऑप्शन चाहिए डिसाइड कर लो भाई, 1 दिन का टाइम दे दो यार। भैया आओ यार आओ, यस और नो, अगर जवाब यस है तो ओके, अगर नो कहा तो तुम्हारी जिंदगी। अरे नहीं यार, हम तो तेरे साथ हैं।
तुम भी आओ यार, गिरोगे तो तैरना भी नहीं आता आज। संभल के आओ यार, अरे बैलेंस बनाकर यहाँ बैठो। बॉबी तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ यार। क्रिकेट देखा है, वॉलीबॉल देखा है, रम्मी देखा है, ये खो खो क्या है यार? बचपन में स्कूल में खेला था यार, अब कैसे खेलना है भूल गया हूँ। कैसे खेलना मैं जानता हूँ, बट आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट। हमें कोई आदमी चाहिए जो लीड कर सके। समझ में नहीं आया यार। कोच यार, कोच चाहिए, कितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं, ढूंढ के ले आओ। ये कोच क्या होता है, समझ में नहीं आया। लेकिन बॉबी